हेलो दोस्तों, स्वागत है जानकार की एक और नई वीडियो में। सामने आज हमारे महिंद्रा XUV 4XO जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सभी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रही हैं, तो महिंद्रा ने सोचा क्यों वो पीछे रहें और उन्होंने भी अपनी महिंद्रा XUV 4XO को लॉन्च कर दिया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। रेंज की बात करें, शुरू होती है 16 लाख रुपए से और जाती है 19 लाख रुपए तक। तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ईसी फास्ट चार्जर और EL जो कि टॉप मॉडल है। हमारे सामने EL मॉडल 19 लाख रुपए की एक शोरूम प्राइस की कीमत वाला खड़ा हुआ है। और अभी हम हैं परम ऑटोमोबाइल महिंद्रा जो कि अजमेर में है। इसकी की देख ली जाए, सिंपल सी की प्रोवाइड कराई जाती है महिंद्रा की, जिसमें हमें लॉक अनलॉक करने का बटन मिलेगा और यहाँ पर बूट ओपन करने का बटन मिल जाता है और एक ऐसी फिजिकल की मिल जाती है। वॉकअराउंड से शुरू करते हैं तो हमें फ्रंट में चौड़ाई मिल जाती है 1820 mm की। ओवरऑल लेंथ जो है इस कार की रहने वाली है 4200 mm और 2600 mm का व्हील बेस मिल जाता है। लगभग 190 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट प्रोफाइल देख ली जाए तो महिंद्रा ने क्या हटके काम किया है। महिंद्रा को लोगो कॉपर में दिया जा रहा है और यहाँ पे कॉपर एसेंट देखने को मिल रही है और ये एक्स जैसा बना है, ये थोड़े गड्ढे गड्ढे से है यहाँ पर। अब बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको ग्रीन कलर की स्ट्रिप देखने को मिलती है, ब्लू कलर की। महिंद्रा ने बिल्कुल ही अलग काम किया है, यहाँ पर आपको कॉपर एलिमेंट देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हैं ना, महिंद्रा ने यहाँ पर कॉपर कलर का यूज़ किया है। मे भी इस वजह से किया हो क्योंकि कॉपर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है, तो काफ़ी हटके सोचा है। सो व्हाइट कलर के अलावा इसमें एक ब्लैक कलर और देखने को मिलता है जो कि ये सामने खड़ा हुआ है, जिसमें भी आपको कॉपर कलर का यूज देखने को मिलेगा। जो रूफ है प्योर कॉपर है और साइड में भी आपको कॉपर देखने को मिल रहा होगा। फ्रंट प्रोफाइल की बात कर ले, यहाँ पे आपको DRL लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, प्रोजेक्टर फॉर लो बीम मिल जाता है और हेलोजन फॉर हाई बीम। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं पूरा XUV 3XO जैसा है, वहाँ पर आपको DRL लाइट मिल जाती है। यहाँ से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी है, ब्लैक कलर का बम्पर मिल जाता है और स्किड प्लेट भी मिल जाती है। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लग रही है, एक मस्कुलर सा डिज़ाइन निकल के आता है और यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाते हैं। साइड में ORVM ब्लैक कलर का मिल जाता है जिस पे इंडिकेटर लाइट मिलेगी और ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल भी है। चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल रहा है इस कार का। बाकी साइड प्रोफाइल देख लीजिए। टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 205/65R16 16 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं। फ्रंट और रियर दोनों साइड आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। व्हील आर्च पर क्लैडिंग मिलेगी और यहाँ पर भी क्लैडिंग मिल जाती है। रनिंग बोर्ड पे भी आपको क्रोम एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी ये है कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड सा एंटीना मिल जाता है और स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ यहाँ पर आपको स्पॉइलर दिया जा रहा है और यहाँ पर रूफ माउंटेड ब्रेक लाइट मिल जाती है, वाशर एंड वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर LED में जो है टेल लैंप का सेटअप है। बाकी रिवर्स लाइट वगैरह हेलोजन बेस्ड मिलेगी। नीचे की ओर आपको फॉग लैंप भी मिल जाते हैं और दो पार्किंग सेंसर दिए जा रहे हैं। प्लेसमेंट है 1 और 2, यहाँ पर कुछ ऐसे पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसे दिखती है और नीचे की ओर कुछ इतना स्पेस आपको मिल जाता है। चलिए बूट ओपन करके देखते हैं। उससे पहले बता दें यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाता है, सो रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया जा रहा है। नया वाला महिंद्रा का लोगो है, इसको भी कॉपर में ही रखा गया है और यहाँ पर XUV 4XO की बैजिंग की गई है। सो ये है कुछ इसकी कंप्लीट रियर प्रोफाइल। चलिए बूट ओपन करके देखते हैं। सो ऐसे की से ही ओपन हो जाएगा। सो ये देखिए, सो कुछ इतना आपको बूट स्पेस मिल जाता है, लगभग 300 लीटर के आसपास बूट स्पेस है। बाकी 60-40 स्प्लिट सीट है और कोई भी ट्रंक लाइट नहीं है। यहाँ पर पड़ा है इसका चार्जर और आपको स्पेयर व्हील भी मिलेगा इसमें। सो अभी एसेसरीज वगैरह पड़ी हुई है तो यहाँ से आप इसको पुल कर सकते हैं। सो नीचे की ओर देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा। तो ये सारी बात होगी इसके रियर प्रोफाइल की। साइड पैसेंजर डोर ओपन करके देख लेते हैं। तो बॉडी कलर में ही डोर हैंडल मिलेंगे और ये अनलॉक कर लूँ। ओके, तो ये देख लीजिए डोर का पैटर्न कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक नहीं फाइबर में आपको यहाँ पर डोर हैंडल मिलेंगे और यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल रही है। पावर विंडो के कंट्रोल है, थोड़ा सा स्पेस है, नीचे बोतल होल्डर और थोड़ा सा कागज़ वगैरह रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। ये थोड़ा सॉफ्ट टच में मिल जाएगा, ये चीज़ केवल सॉफ्ट टच में है, बाकी ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। ओके, सो यहाँ पर स्पीकर है। बाकी सीट की बात करें सो लेदरेट सीट मिलती हैं और स्टिचिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है, कुशनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। अगर आप XUV 3XO से कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा सा लेग स्पेस आपको ज़्यादा लग रहा होगा। बाकी यहाँ पर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि लेदर रैप्ड है। यहाँ पर आपको 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं अगर बैठ कर देख लें। ओके, सो अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और लेग स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। यहाँ पर आपको सीट के पीछे प्लास्टिक मिल रही है, कोई बैग वगैरह नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। ऊपर की ओर आपको एक रीडिंग लैंप मिल जाती है।
यहाँ पर ग्लैब हैंडल मिल जाते हैं जो कि फोल्डेबल हैं पीछे की, और कोई भी एसी वेंट वगैरह नहीं है यहाँ पर। बाकी इस कार में 6 एयरबैग मिलेंगे, तो यहाँ तक आपको एयरबैग ही एयरबैग देखने को मिल रहे हैं। ये देख लीजिए पीछे की ओर से कुछ ऐसा है। बाकी पार्सल ट्रे का ऑप्शन रहेगा, अभी ये यहाँ पर मिल रही है एज एन एसेसरी, आप इसको लगवा सकते हैं। फ्रंट का डैशबोर्ड का लुक कुछ इस प्रकार है। चलिए फ्रंट साइड में बैठ के देख लेते हैं। सो ड्राइवर साइड डोर में बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल मिलेंगे, और यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन देखने को मिल जाती है। और डोर ओपन करें तो कुछ ऐसी प्रोफाइल रहने वाली है डोर की। यहाँ पर आपको ट्विटर मिलेगा, स्पीकर मिलेगा डोर खोलने के लिए, जो कि प्लास्टिक में है बट काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होता है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ORBM के कंट्रोल है, पावर विंडो के कंट्रोल है। ये जो विंडो है ड्राइवर साइड, ये ऑटो डाउन ऑटो अप रहेगी। तो एक बार में यहाँ प्रेस करेंगे ऑटो डाउन हो जाएगी। नीचे की ओर यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, और यहाँ डॉक्यूमेंट रखने के लिए जगह है, थोड़ा सा यहाँ बोतल वगैरह रख सकते हैं। सॉफ्ट टच यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ ऐसा है अंदर का डिज़ाइन। सो सीट इसमें मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, लंबर सपोर्ट और हाइट वगैरह आप एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट ओपन करने के लिए लीवर दिया जा रहा है। दो ही पैडल है, और डेड पैडल भी मिल जाता है वहाँ पर, देख लीजिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है, कवर है। बाकी एक्सेलरेशन और ब्रेक पैडल मिल जाता है। नीचे की ओर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है बोनट ओपन करने के लिए लीवर। बाकी हेडलाइट लेवल एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर टॉगल दिया जा रहा है, और यहाँ पर भी क्रोम एलिमेंट देखने को मिल रहा है एसी वेंट के आसपास। पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। बाकी सीट काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, लेदर रैप्ड है। बाकी थोड़ा सा ये जो छेद से दिख रहे हैं, ये वेंटिलेटेड सीट नहीं है, नॉर्मल सी है, लेदर रैप्ड सीट है, लेदर कवर के साथ है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर भी दिए जा रहे हैं, बैठकर देख लिया जाए। सो इसके पहले हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ मैं, ओके, और इसे कर लेते हैं। तो कीलेस एंट्री मिलती है भाई, बटन दबाओ डोर ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर की प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर पैडिंग के साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है। और यहाँ देखें तो थोड़ा सा स्पेस भी है, दो ग्लास होल्डर हैं, क्रोम टिप के साथ पार्किंग ब्रेक है, और ये है इसका गियर नॉब, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। बाकी यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग वगैरह देखने को मिल रही है। USB पोर्ट है, ऑक्स केबल है, AC यूनिट यहाँ पर है, टेम्परेचर मैनुअली आप एडजस्ट कर पाएंगे, हैजार्ड बटन है यहाँ पर, AC के सारे कंट्रोल हैं, सीट बेल्ट के कंट्रोल हैं, और ड्राइव मोड वगैरह वो आप स्विच कर सकते हैं। बाकी पूरा जो पैनल देख रहे हैं वो XUV 300 की तरह ही है, तो मैनुअल कंट्रोल के साथ IRBM मिल जाता है। और ये इसका वाइजर, वाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है जो कि लाइट के साथ आ रहा है। सो ये बढ़िया बात है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है। स्टेयरिंग की फील देख लीजिए, लेदर रैप्ड हैंडल है, और ये जो महिंद्रा का लोगो है इसके आसपास देख रहे हो थोड़ा सा ब्लू एसेंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो डुअल टोन में हॉर्न है, बाकी यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल है, और यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट के लिए बटन मिल जाता है। पियानो ब्लैक एसेंट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, तो कोई भी फ्लैट बॉटम नहीं है, पूरा ही सर्कल में है, बट बढ़िया लग रहा है। स्टिचिंग वगैरह जो फिट एंड फाइन है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, देख लीजिए तो कुछ ऐसी फील है। ग्लोव बॉक्स देखें तो कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, काफ़ी डीप है। बाकी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर है, AC वेंट वहाँ पर मिल जाता है, एक ट्विटर और स्पीकर, बाकी ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी मिल जाते हैं, और ये इसका सनरूफ। सो यहाँ पर सनरूफ के कंट्रोल दिए जा रहे हैं, और रीडिंग लैंप वगैरह यहाँ मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मीटर कंट्रोल की। सो यहाँ से इसको एक बार ऑन कर लेते हैं, उससे पहले हैंडल एडजस्टमेंट देख लिया जाए दोस्तों। सो टॉप मॉडल है, क्या लगता है, टिल्ट, ओके, सो केवल टिल्ट ही है, टेलीस्कोपिंग नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो एक बार बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर मिल जाता है इसका बटन, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। ओहो, तो जैसे ही इग्निशन को ऑन किया ये सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं, और बढ़िया लाइटिंग वगैरह देखने को मिल रही है यहाँ पर। बाकी ये देखिए गियर नॉब भी जागरूक हो गया है। तो यहाँ पर पार्किंग, रिवर्स, न्यूटन और ड्राइव मोड, बाकी अभी ये पार्किंग मोड में। और इस कार में एल मोड भी मिलता है, जिस जो कि है सिंगल पैडल मोड। तो अगर केवल आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे गाड़ी चलेगी, और जैसे एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेक एक्टिवेट करेगी। तो मीटर कंसोल में आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम वगैरह, पावर वगैरह, ऑडोमीटर, ट्रिम मीटर और फ्यूल एफिशिएंसी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और मोड वगैरह भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राइव मोड के लिए बटन दिया गया है, उससे आप फास्ट मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, फियरलेस मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, और फन मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। तीन मोड मिल जाते हैं। सो थीम भी बदलती है, जैसे आप मोड चेंज करेंगे तो थीम भी बदल जाती है। सो जो इसका फियरलेस मोड है, पावर मोड है, उनमें इस कार की मतलब जो एक्चुअल पावर है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर आप यूज कर पाएंगे। बाकी ट्रिप वगैरह यहाँ से सेट रीसेट कर सकते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, लगभग 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा XUV 300 में हमें दिया जाता था, जिसमें हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, जो कि प्रॉपरली वर्क भी करता है, फोन, रेडियो, डिस्प्ले,
तो ये ऑन ऑफ हो जाती है। और ये देखिए प्रोग्राम, साउंड सिस्टम, टेम्परेचर, कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें आपको इस कार में देखने को मिलेंगी इंटीरियर में। बाकी सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS, EBD और रिवर्स कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाता है, ऑटोमेटिक वाइपर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी बढ़िया फील आती है, काफ़ी बढ़िया रेंज है। अब इंजन की बात करें तो इसमें वही इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली मोटर मिल जाती है। और पावर की बात करें 147 BHP की पावर जनरेट करेगी, 310 NM का टॉर्क मिल जाता है। रेंज की बात करें तो 456 के आसपास रेंज मिल जाती है। और चार्जिंग टाइम वैसे कंपनी क्लेम कर रही है ओनली 50 मिनट, मतलब कि एक घंटे से भी कम टाइम में ये चार्ज हो रही है। तो भाई देखेंगे, वो तो फास्ट चार्जर है इस वजह से शायद हो रही है, बाकी नॉर्मल में तो घंटों में ही टाइम लगेगा। रिवर्स कैमरा क्वालिटी दिखाएं तो पहले जैसी थी वैसी ही होनी चाहिए, सो एक बार चेक करते हैं। ओके, प्लीज सेलेक्ट द पार्किंग मोड इफ यू नीड असिस्टेंस। ऐसी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी है, एकदम ज़्यादा क्लियर भी नहीं है ना ज़्यादा बेजी है। अभी ये शेडो में खड़ी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा डार्क लग रहा है, बट कैमरा क्वालिटी इज वेरी गुड। ये सारी चीज़ें आपको XUV400 में महिंद्रा प्रोवाइड करा है। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये कार। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी कार्स एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।